गोद लिया बेटा। महिमा, अब भी समय है, ज्यादा देर नहीं हुई है। वंश को चलाने के लिए लड़का ही जरूरी होता है, लड़कियों का क्या है, वो तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन तेरी बेटी दृष्टि भी अपने ससुराल चली जाएगी, फिर बुढ़ापे में कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, कभी सोचा है तुमने? मम्मी जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन किसी दूसरे के बेटे को हम कैसे अपना लें भला? जिस किसी भी बच्चे को हम गोद लेंगे, उसकी रगों में तो किसी दूसरे का ही खून होगा ना, और मैं दूसरे के बच्चे को पाल नहीं सकती। हाँ माँ, महिमा ठीक कह रही है। वैसे भी दृष्टि अब 8 साल की हो चुकी है, सब समझने लगी है वो भी। अगर हम बच्चा गोद ले भी लेते हैं तो हो सकता है कि कल को वो भी उस बच्चे को एक्सेप्ट ना कर पाए। अरे वो सब तुम समय पर छोड़ दो, समय के साथ साथ उसे भी सब समझ में आ जाएगा। वसुंधरा अपनी बेटी बहू को रोजाना यही बात बोलती, जिसे गिरीश और महिमा नजरअंदाज करते रहते। फिर एक दिन, तुम लोगों को पता है वो जो हमारे पड़ोस में विमला रहती थी ना, जिसकी सिर्फ 2 बेटियां थी, आज उसकी बंद कमरे में लाश मिली है। जानती हो, उसकी सास ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि किसी लड़के को गोद ले आए, लेकिन उसने अपनी सास की एक ना सुनी, और देखो आज कंधा देने वाला भी कोई नहीं। वसुंधरा की इन बातों का गिरीश और महिमा पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि वो तुरंत ही बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लेते हैं। तकरीबन 3 घंटे की प्रक्रिया के बाद गिरीश 6 साल के हर्ष को संग लेकर घर पहुंचता है। आप यही चाहती थी ना माँ, कि हम एक लड़के को गोद ले आए? तो देखिए, ये रहा हमारा हर्ष। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अब एक काम करते हैं, कल कुछ पंडितों को बुलाकर इसका शुद्धिकरण करा देते हैं। शुद्धिकरण? ये क्या होता है? अरे बेटा, अभी तेरी रगों में किसी और का खून है, जिसके बारे में हमें कोई खोज खबर भी नहीं है, इसीलिए तू अशुद्ध है। कल जब तेरा शुद्धिकरण हो जाएगा, तब तू इस घर का वारिस बन जाएगा। तो क्या कल आप इंजेक्शन लगाकर मेरे शरीर से खून निकाल लेंगे? अरे नाना बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ मुझे पता है, ऐसा ही होगा। मैंने पढ़ा था, खून की शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। इसके जरिए जो हमारे शरीर में गंदा खून होता है वो निकाल देते हैं। आप लोग भी कल मेरे साथ यही करोगे ना? हर्ष के मुंह से इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। आप कहाँ से लाए हो इस बच्चे को, जो इस उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? कहा था ना कोई मासूम सा बच्चा लाना। महिमा, यह अभी सिर्फ 6 साल का है। अगर मैं इससे भी छोटा बच्चा लाता तो तुम्हें पता ही है छोटे बच्चों के साथ कितनी दिक्कतें होती हैं। हाँ, लेकिन आपको एक यही बच्चा मिला जो इस उम्र में इतना कुछ समझता है। उससे तो आगे भगवान ही बचाए। मैं दृष्टि के पास जा रही हूँ, आप संभालिए इस शैतान को। अगले दिन पंडित को बुलाकर शुद्धिकरण की पूजा भी करा दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी घर का कोई भी सदस्य उसे अपना नहीं पाता। वो घर में सजावट के लिए पड़ी किसी चीज की तरह था। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। समय के साथ साथ हर्ष को भी अपनी और सौतेले में फर्क समझ आ जाता है। अब दृष्टि 9 की और हर्ष 7 साल का हो चुका होता है। दृष्टि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक साइकिल खरीदी है, अब तुम्हें स्कूल बस से जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू पापा। पापा, मेरे लिए भी आप एक साइकिल खरीद लीजिए, स्कूल बहुत दूर है, मैं आने जाने में थक जाता हूँ। अगर स्कूल इतना ही दूर है तो कल से जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर बैठ जा। मेरे पास इतने पैसा नहीं कि अब तुझे भी साइकिल खरीद कर दे सकूं। हर्ष मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। तुम लोग क्यों उसे अपना नहीं पा रहे हो? आखिर कब तक ऐसे ही उसके साथ सौतेलापन का व्यवहार करते रहोगे? दृष्टि की तरह अब वो भी तुम लोगों का बेटा है, बुढ़ापे में वही तुम्हारा सहारा बनेगा। माँ प्लीज, आपके कारण ही हम इस लावारिस को उठाकर घर लाए हैं, इससे आगे हम और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बेटा। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो छोड़ आइए इसे वहीं जहां से ये आया था। तुम्हारे अंदर की इंसानियत कहां मर गई? जब से आया है तब से लेकर आज तक तुमने उसे कभी एक बाप का प्यार नहीं दिया, जरा सा भी तरस नहीं आता तुम्हें उस पर। माँ प्लीज,
ये सब बातें आप मुझसे ना ही करो तो बेहतर होगा। दो दिन बाद आज हर्ष बहुत खुश होता है और उछलते हुए अपनी माँ के पास आता है। माँ माँ, मेरा रिजल्ट आ गया, देखिए मैंने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया है। तुम मुझे क्यों माँ बुला रहा है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझा? अरे क्यों डांट रही है बच्चे को, माँ ही तो है तू उसकी। सगी माँ नहीं हूँ मैं इसकी, जो ये इस तरह बार बार मुझे माँ माँ बुलाता रहता है। ये सगी माँ कौन होती है? क्या माँ भी कभी सगी और पराई होती है? लो फिर शुरू हो गया। माँ जी आपने ना इसे बहुत सर पर चढ़ा रखा है, अब आप ही संभालिए इसे। दृष्टि स्कूल से आती होगी, मुझे उसके लिए खाना भी बनाना है। इतना कहकर महिमा वहां से चली जाती है। दादी कोई मुझे प्यार क्यों नहीं करता? सब दीदी से ही क्यों प्यार करते हैं? अरे नाना बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, दृष्टि बड़ी है ना, इसलिए बस सबको उसकी फिक्र लगी रहती है। फिक्र और प्यार दोनों में अंतर होता है दादी। मम्मी पापा ना तो मेरी फिक्र करते हैं और ना ही मुझसे प्यार। 7 साल के बच्चे की ये बातें सुनकर वसुंधरा खामोश खड़ी रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बोले भी तो क्या। इतने में ही वहाँ दृष्टि भी आ जाती है। मम्मी पापा मुझसे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनकी सगी बेटी हूँ और तुम्हें तो वो अनाथालय से उठाकर लाए हैं। दृष्टि कितनी बार समझाया है, इस तरह बात नहीं करते। छोटा भाई है वो तुम्हारा। ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है। दीदी मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ, तो मेरा भी तो आप लोगों से कोई खून का रिश्ता नहीं है। उसके बाद भी जब मैं आप लोगों का स्वीकार कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं अपना रहे मुझे? शोर सुनकर गिरीश और महिमा भी बाहर आते हैं। इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ, क्या चल रहा है ये सब? देखिए ना पापा इस लड़की को। क्यों रे हर्ष, आप कौन सा ज्ञान झाड़ रहा है तू? मैंने तो बस छोटा सा सवाल ही पूछा था दीदी से, अगर उनके लिए मैं कोई गैर हूँ तो आप कौन से मेरे सगे हैं? उसके बाद भी जब मैं आपको अपने जन्मदाता की जगह दे सकता हूँ तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हर्ष के इन सवालों से पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वसुंधरा अपने आंसू पोंछते हुए गिरीश और महिमा से सवाल करती है। अब क्यों चुप हो तुम लोग, जवाब दो ना इस बच्चे के सवाल का। हर्ष के सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। गिरीश और महिमा बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ये लड़का तो जरूरत से ज्यादा ही तेज है, कहीं हमने इसे गोद लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर ऐसा ही रहा तब तो ये हमारी बेटी का हक छीन लेगा और पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। तुम सही बोल रही हो महिमा, हमें जल्दी से इस लड़के का कुछ करना होगा, ये हमारी बेटी के लिए खतरा हो सकता है। अगले दिन, हर्ष बेटा कहाँ हो? चलो आज हम तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले चलते हैं। सच में माँ हम घूमने जा रहे हैं। हाँ बेटा अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हर्ष भागते हुए अपने रूम में तैयार होने जाता है। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आता है जहाँ गिरीश और महिमा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मम्मी पापा हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम तुम्हें मेला दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं, कल तुम्हारे सवालों ने हमारी आंखें खोल दी, इसलिए अब हम तुम्हें अपने सगे बेटे जितना ही प्यार देंगे। हर्ष ये सब सुनकर बेहद खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि अब उसके बुरे दिन जा चुके हैं, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी किस्मत में आखिर आगे क्या लिखा है। वे सब मेले में पहुंच जाते हैं। हर्ष बेटा झूला झूलोगे? हाँ मम्मा मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है। ठीक है तुम जाकर झूला झूल लो, हम लोग तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। हर्ष चला जाता है। यही अच्छा समय है, अब हम घर चलते हैं, इसका काम तो हो गया। सही कहा तुमने, मेला घर से इतना दूर है कि ये वापस लौटकर कभी नहीं आ पाएगा। गिरीश और महिमा वहां से चले जाते हैं। हर्ष जब वापस लौटता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता। वो पागलों की तरह अपने परिवार वालों को ढूंढता है। कुछ घंटे ढूंढने के बाद जब उसे कोई नहीं मिलता तो उसे सब समझ आ जाता है। अब वो करता भी तो क्या, न घर का पता मालूम था ना ही कोई फोन नंबर। थक हार कर वो वहीं बैठ जाता है। तुम दोनों तो हर्ष को मेले पर लेकर गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गए, और हर्ष कहाँ है कहीं नजर नहीं आ रहा।
माँ वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने की बहुत जिद कर रहा था, तो हम उसे अनाथ आश्रम छोड़कर आ गए हैं। कुछ दिन के बाद आ जाएगा, आप परेशान ना हो। वसुंधरा को दाल में कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और सीधे अपने रूम में चली जाती है। महिमा, माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। महिमा सिर हिलाकर हाँ कहती है। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब हर्ष वापस नहीं आता, तब वसुंधरा अपना फ़ोन उठाकर हर्ष के दोस्तों को फ़ोन करती है, जिससे उसे पता चलता है कि हर्ष तो कभी अनाथ आश्रम गया ही नहीं था। गुस्से से आग बबूला होकर वसुंधरा गिरीश और महिमा के कमरे में जाती है। हर्ष तो अनाथ आश्रम गया ही नहीं, फिर तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहाँ है मेरा पोता, बताओ मुझे। माँ जी, वो आपका पोता नहीं है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब दो। माँ, वो हम लोग हर्ष को उस दिन मेले में ही छोड़कर आ गए थे, हमें नहीं पता कि अभी वो कहाँ है। क्या, उस छोटे से बच्चे को तुम मेले में ही छोड़कर आ गए, ये जानते हुए भी कि वो अभी सिर्फ 7 साल का है? न जाने किस हाल में होगा वो मासूम। तो और क्या करते मम्मी जी, उसका ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमने, हम क्यों भला किसी और के बेटे के लिए अपनी बेटी का हक मारे। इस घर परिवार और हमारे प्यार पर सिर्फ दृष्टि का हक है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम भी कोई मेरे सगे बेटे नहीं हो, ऐसे ही किसी अनाथ आश्रम से मैं तुझे लेकर आई थी। अगर उस समय मैं भी यही करती तो आज तुम भी दर दर की ठोकरें खा रहे होते। मैं नहीं जानती थी कि तुम दोनों की सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। वसुंधरा की बातों से दोनों का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो चुका होता है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों हर्ष को ढूंढते हुए उसी मेले की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें सिवाय सन्नाटे के कुछ नजर नहीं आता। अगले दिन गिरीश और महिमा फिर से उसी मेले में हर्ष को ढूंढने जाते हैं। क्या हुआ साहब, किसी को ढूंढ रहे हो क्या? कुछ दिन पहले हमारे साथ एक बच्चा आया था ना, जिसने झूला भी झूला था, आपने उसके बाद से कहीं देखा उसे? नहीं, उसके बाद मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन उस दिन बहुत रो रहा था बेचारा, रात तक यहीं बैठकर रोता रहा, फिर अचानक न जाने कहां गायब हो गया। गिरीश और महिमा आगे बढ़ते हुए फिर किसी से पूछते हैं। आप जिस बच्चे को ढूंढ रहे हो ना, वो तो 2 दिन पहले ही मर चुका है। बेचारा पिछले कई दिनों से यहाँ रोज आकर अपने मम्मी पापा को ढूंढता था, कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था उसने, फिर एक दिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। 7 साल की मासूम की मौत के बारे में सुनकर गिरीश और महिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी घटिया सोच आज एक मासूम की मौत की वजह बन चुकी थी। क्या गिरीश और महिमा का 1-7 साल के बच्चे को लेकर ऐसा बर्ताव उचित था? गोद लिए हुए बच्चे को अपनाने के बाद भी आखिर क्यों उन पर सौतेले और अनाथ होने का टैग लगा दिया जाता है? क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही रिश्ते होते हैं? दिलों के रिश्तों का कोई वजूद नहीं होता?